बेगूसराय जिले के खुदावनपुर क्षेत्र में सामाजिक हस्तक्षेप के बाद बुधवार की रात प्रियंका और धीरज परिणय सूत्र में बंध गए। शादी की रस्म संपन्न होने के पश्चात दोनों एक दूसरे के हो गए। सामाजिक सरोकार की इस पहल का लोग मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। बताते चले कि खुदावनपुर थाना क्षेत्र के सागे पंचायत अंतर्गत नुरुल्लाहपुर गांव के वार्ड 6 निवासी मनोज महतो उर्फ करण सिंह की दूसरी पुत्री प्रियंका कुमारी की शादी गत 4 जून को बकरी थाना क्षेत्र के बागवन निवासी हरेराम वर्मा के द्वितीय पुत्र धीरज कुमार के साथ तय हुआ था। दोनों ही पक्षों के घरों में उत्सवी माहौल था। दूल्हे बारात लेकर दुल्हन के घर आए हुए थे। मंगल गीत गाए जा रहे थे। बारात के स्वागत की तैयारियां हो चुकी थी। दुल्हन प्रियंका भी अपने मेहंदी रची हाथों सुलहों श्रृंगार कर दुल्हे के आने के इंतजार कर रही थी। बाराती दुल्हन के गांव पहुंच चुके थे। द्वार पूजा से पहले किसी ने बारात में नाच गान के दौरान हर्ष फायरिंग कर दी। इस घटना में एक बाराती गंगरहौर निवासी नरेश सैनी के पुत्र दिलखुश कुमार उर्फ बुलेट को गोली लग गई और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दिलखुश के जख्मी होते ही विवाह का उत्सवी माहौल गमगीन हो गया। आनन फानन में वहाँ मौजूद लोगों ने उसे इलाज के लिए बेगूसराय ले गए। वहीं बारात में शामिल सभी लोग दुल्हा के साथ बिना शादी किए ही भाग निकले। घटना से वधु के पिता के पांव तले जमीन खिसक गई। दुल्हन बनने की तमन्ना प्रियंका को रखा ही रह गया। इस मामले में जख्मी बुलेट द्वारा वधु के भाई के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत खुदावनपुर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई गयी है। शादी रुक जाने के पश्चात दूसरे दिन ही नुरुल्लाहपुर एवं बागवन गांव के प्रबुद्ध जनों द्वारा प्रियंका और धीरज की शादी संपन्न कराने के लिए सामाजिक प्रयास तेज कर दिया गया। उधर पक्षों के बीच असहमति होने पर 7 जुलाई की रात शादी समारोह में प्रियंका और धीरज परिणय सूत्र में बंध गए। शादी समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। इस घटना के सुगत पटाक्षेप से परिजनों में हर्ष व्याप्त है। इस मौके पर चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजवंशी महतो, उप प्रमुख नीतराम यादव, सागी पैक्स अध्यक्ष भारत भूषण उर्फ दीपक समेत अन्य लोग मौजूद थे। बीडी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय के खुदावनपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। साल हमारे हैं उससे भी मदद लिया गया और भी समाज के सब लोग बैठ करके रात भी विचार किए और आज लगन था तो हम लोग कहते हैं कि आज ही शादी हो जाए और वर वधु को सौहार्दपूर्ण के तहत विदा यहाँ से कर देंगे। समाज के सब लोग बैठे और कर लिए। अब किसी तरह का कोई नहीं है। आपको देख रहे हैं कि बराती और सराती सब लोग मिल करके कितना बढ़िया से रहते हैं। कुछ जो उस टाइप के लोग तो उस दिन चला भी गए लेकिन हम लोग समाज के सब लोग और इस विषय में जो 4 तारीख को शादी नहीं हुई अफरा तफरी का माहौल हो गया। कोई असामाजिक तत्व किसी तरह की घटना कर दिया उसमें न बाराती पार्टी का कोई हाथ है और न सराती पार्टी का कोई हाथ है। वह सामाजिक तत्व द्वारा यदि कुछ किया गया है तो उसकी निंदा की गई और वैसी कोई घटना नहीं घटी है और हम लोग जितना भी बात हुआ उसको पैचअप कर दिए हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज वरवधु को आशीर्वाद देने हमारे विधायक आए हैं, हमारे त्रिवेणी बाबू आए हैं, सारे लोग हम वरवधु को आशीर्वाद दिए हैं। अब किसी तरह का भेदभाव मैल किसी के मन में नहीं है। सब लोग एक होकर के इस शादी में शरीक हुए हैं और वधु को हृदय से आशीर्वाद दिए। वापस हो गए थे, आज 7 तारीख को शादी हो रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हुआ था, कुछ गलत फहमी हुई थी लेकिन फिर जितने भी समाज के लोग प्रभु जितने भी थे वो तमाम लोगों मिल करके, क्योंकि उस रोज इतना अफरा तफरी मच गई थी तो कोई सही नहीं हो पाया था लेकिन बाद में तमाम लोगों ने महसूस किया और जितने भी क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग थे यहाँ के हों चाहे हमारे जो बाराती जहाँ से आई है वहाँ के सम्मानित मुखिया जी वगैरह तमाम लोग हम लोग फिर जो बैठे तो निश्चित तौर पर जो पीछे बीत चुका था उस बात को भुलाते हुए हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी के सहयोग से सबसे खुशीपूर्वक और मैं समझता हूँ ये सौभाग्य है उस जो भी गलती हुई और इतने सारे लोग आकर के वरवधु को हम लोगों ने जो इस एरिया के तमाम VIP चाहे उन लड़का वालों की तरफ से वहाँ से भी जितने भी वरवधु लोग थे तमाम लोग आए, इधर से भी जितने प्रबुद्ध लोग हमारे विधायक जी हमारे प्रखंड के जितने भी खुदावनपुर प्रखंड के प्रबुद्ध लोग जो अगुए दस्ते के लोग हैं तमाम लोग आकर के यहाँ पर प्रबुद्ध को आशीर्वाद दिया है और सौहार्दपूर्ण वातावरण आप देख ही रहे किस तरह से ये शादी कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुआ।
जिस लड़का को गोली लगा था उसकी क्या स्थिति है सर? ना वो बेटर है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कतरे से बाहर उसी रोज हो गया था।